हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द नॉइज, क्योंकि हमारे दोनों भी प्रिंटर्स चालू है। सो अगर आपको कोई मॉडल 3D प्रिंट करवा के लेना हो तो ऐसे कौन से सेटिंग्स या फैक्टर्स है जो आपको एज अ कस्टमर ध्यान में रखने चाहिए ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिले। वैसे तो 3D प्रिंटिंग में बहुत सारी सेटिंग्स होते हैं, जैसे प्रिंट टेम्परेचर, प्रिंट स्पीड, रिट्रैक्शन डिस्टेंस, बट एज अ कस्टमर आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम FDM प्रिंटर के चार इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या सेटिंग्स के बारे में जानेंगे जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप आपके 3D प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ इजीली कोऑर्डिनेट कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला फैक्टर है डिजाइनिंग। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका 3D मॉडल 3D प्रिंटिंग के लिए सूटेबल हो, मतलब इसमें ज़्यादा अननेसेसरी ओवरहैंग्स ना हो, जिससे ज़्यादा सपोर्ट्स की ज़रूरत ना लगे, जिससे सरफेस क्वालिटी और डायमेंशनल एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ सकता है। इससे प्रिंट टाइम पर भी असर पड़ता है। डिज़ाइनिंग करते वक्त टॉलरेंस भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक असेंबली प्रिंट करवा रहे हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि दो फिटिंग पार्ट्स के बीच में एडिक्वेट टॉलरेंस हो, जिससे वो परफेक्टली फिट हो जाए। डिज़ाइनिंग करते समय आप जिस मटेरियल से प्रिंट करवाने वाले हो उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ध्यान में रखकर थिकनेस या एंगल को डिज़ाइन करें, जिससे आप अगर 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शनल प्रोटोटाइप यूज़ करने वाले हो तो आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिले। ये हो गया डिज़ाइनिंग का पार्ट। आफ्टर डिज़ाइनिंग बढ़ते हैं एक्चुअल प्रिंटिंग प्रोसेस की तरफ। प्रिंट करते वक्त आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। इसमें से पहला है लेयर हाइट। लेयर हाइट ईच डिपॉजिटेड लेयर की हाइट होती है, मतलब हर लेयर एक्सट्रूजन के बाद नोजल जी एक्सिस में लेयर हाइट के हिसाब से ऊपर जाकर एक्सट्रूजन स्टार्ट करता है। इससे प्रिंट की क्वालिटी डिटरमाइन होती है। जितनी कम लेयर हाइट होगी उतनी ही अच्छी प्रिंट क्वालिटी होगी, बट ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि जितनी कम लेयर हाइट उतना ही प्रिंट टाइम भी ज़्यादा होगा। जनरली लेयर हाइट 0.1 mm से लेके 0.3 mm के बीच में होता है। हम स्टैंडर्ड लेयर हाइट 0.2 mm रखते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द मॉडल वी रिकमेंड टू गो हायर और लोअर। फिर आते हैं इनफिल परसेंटेज की तरफ। इनफिल परसेंटेज बेसिकली आपके प्रिंट की डेंसिटी होती है। ये परसेंटेज ये बताता है कि आपका प्रिंट हॉलो होने वाला है या सॉलिड, मतलब प्रिंट के अंदर का कितना हिस्सा भरा हुआ है। 0% इनफिल मतलब प्रिंट कम्प्लीटली हॉलो है, एंड 100% इनफिल मतलब प्रिंट कम्प्लीटली सॉलिड है। हमारा स्टैंडर्ड इनफिल परसेंटेज 20 होता है, जो एक वेट और स्ट्रेंथ के बीच में अच्छा बैलेंस देता है, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हायर या लोअर वैल्यू सजेस्ट करते हैं। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट है मटेरियल। FDM 3D प्रिंटिंग में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, जैसे PLA, ABS, नायलॉन, PTG, TPU, कार्बन फाइबर, बट हर मटेरियल की अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मटेरियल आपके यूज़ के हिसाब से सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोटोटाइप एक सिर्फ एस्थेटिक रीज़न के लिए आप बना रहे हो, जैसे कोई एक्शन फिगर, कोई टेबल टॉप प्लांटर और समथिंग लाइक दैट, सो आप PLA भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये रीजनेबली स्ट्रांग होता है और ये और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। बट आप सिर्फ एक एस्थेटिक प्रोटोटाइप के लिए बहुत एक्सपेंसिव यूज़ करोगे, जैसे नायलॉन या कार्बन फाइबर, सो ये आपको स्ट्रांग देगा बट उसका कुछ यूज़ नहीं होगा इन योर केस। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई फंक्शनल प्रोटोटाइप यूज़ करना हो जिसका आप एक्चुअली किसी पार्ट में या मशीन में यूज़ करने वाले हो, देन वी वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर मच स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स लाइक ABS, नायलॉन, कार्बन फाइबर। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको आपका यूज़ पता हो और यूज़ के लिए आप प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट करें। हर मटेरियल की अलग प्रॉपर्टी होती है, उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सो आपको उस हिसाब से मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए जो फंक्शनैलिटी और इकोनॉमिकली के बीच में अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करे। यहाँ आपको फिलामेंट मटेरियल के प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे जिसे आप देख सकते हो। ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग द बेसिक सेटिंग्स जो आपको एज अ कस्टमर ध्यान में रखने चाहिए। अगर आपको कोई और डाउट होगा सो प्लीज़ लीव अ कमेंट डाउन बिलो, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड इफ़ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब टू चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।